हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल वुमेंस क्लब में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज पुलाव की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने दो कटोरी बासमती राइस लिया है, जिसको मैंने पहले से ही वॉश करके आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। ये कुछ सब्जियाँ काट ली हैं मैंने। गैस पर कुकर चढ़ा देंगे और उसके अंदर दो चम्मच घी डालेंगे। यदि आपकी इच्छा है तेल लेने की तो आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। घी अच्छे से गर्म हो जाए तो एक चम्मच जीरा डाल दीजिए। अब इसके अंदर सारी सब्जियां डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। इसके बाद सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके धीमी धीमी आंच पर भूनना है। सब्जियों को ज्यादा नहीं भूनना है, वरना ओवर कुक हो जाएंगी। हल्का सा सॉटे कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ मसालों का यूज करेंगे। एक चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्ची। आप मसालों को अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर वो राइस डाल दिया जो मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था। अब इन सबको मिक्स करके अच्छे से भून लीजिए। एक बार चावल और अच्छे से भून लीजिए, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने इसके अंदर चार कटोरी पानी डाल दिया है, क्योंकि मैंने दो कटोरी चावल लिया था। आप जितने भी कटोरी चावल लें उसके हिसाब से जस्ट डबल पानी डालना है। कुकर को बंद करके एक या दो सीटी तक पका लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, वेज पुलाव रेडी है। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, पुलाव एकदम रेडी है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।